वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दी चैनल sharebazaar.com। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप को लेकर, और फ्यूचर ग्रुप के शेयर में जो है अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और कंपनी में जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी हो रहा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जिन लोगों ने फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर वो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो गाइस वो लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसी तरीके से रेगुलरली अपडेट मिलती रहे और आप कोई भी बिग इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें, ताकि आपने अगर कोई मिस्टेक करी है तो आप उसको जो किस तरीके से सुधार सकते हैं या फिर आने वाले टाइम पे आप किस तरीके से इनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेज जो सेट हो चुकी है, एग्रेसिवली बिडिंग हो रही है और यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी तो गाइस इसको खरीदेगी। यहाँ पर जो नाम निकल के आ रहे हैं वो दो कंपनियों के आ रहे हैं, एक तो रिलायंस का और दूसरा जो अडानी का। और तीसरी अपडेट्स गाइस मैं आपको बड़ी अपडेट देता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे फ्यूचर टेल के, उन्होंने जो गाइस रिजाइन कर दिया है और उन्होंने जो बिग बाजार को फाउंड किया था उनका नाम है किशोर बयानी। वहीं पे मैं आपको बता दूं गाइज कि अगर आप उन लोगों में जिनको स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहते हैं तो गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल sharebazaar.com को ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलरली अपडेट मिलता रहे। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि फ्यूचर रिटेल का जो डिजिटल डेटा बेस है गाइज वो इंसॉल्वेंसी के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा इनके कंप्लाइंस ऑफिसर का मानना है। फ्यूचर रिटेल जो कि एक स्ट्रक्चर्ड है और गाइज डिजिटल डेटा बेस उन्होंने तैयार किया है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन से पहले, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है अभी वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं, जिस वजह से कंपनी के जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसमें आपको जो है डिले देखने को मिल सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।